यो व्हाट्स अप गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। वेलकम बैक टू अनदर गेम प्ले वीडियो। सो गाइस, अभी हमारे में है प्रेसिडेंट हाउस में। इधर हमें कौन से दो गुंडे मिल गए थे, इसको मैंने ठोक डाला। अब किसी की नहीं सुनता, सिर्फ सीधा ठोकता रे बाबू। अब किसी की नहीं सुनता, सीधा ठोकता है। हम कुछ नहीं कर सकते, इसको हमने सिर्फ मार दी। यही हिलता, ये हमारे साथ बदतमीजी कर रहा था। अब किसी की सुनता बाबू। अरे प्रेसिडेंट, हमने प्रेसिडेंट हाउस में, हम आपको पता ही होगा प्रेसिडेंट हमारा बहुत अच्छा दोस्त है। हम दोनों मिलके गोस्ट एडर मूवी देखते थे, गोस्ट एडर की मूवी देखते थे। और प्रेसिडेंट ने मुझे फ़ोन किया और बुलाया, कह रहा है कि अभी लॉस सैंटोस पे गोस्ट एडर वाली बाइक खाई है बाला वालों के बॉस ने, मंगवाई है, जाके तुम देख लो, अगर तुम्हें चाहिए तो जाके उधर से वो चोरी कर लो। वो बहुत अच्छी कह रहा है कि आग वाली बाइक सेम गोस्ट एडर वाली बाइक है, लॉस एंजेलिस में आ गई है वो। एक दुनिया में सबसे एक ही बाइक है जो गोश आग वाली बाइक है, जिसको कहते हैं गोश्त एडर। वो भी बाला वालों के पास है। अभी हमने बाला वालों के एक अड्डे में जाना, बाला वालों के बॉस का घर है एक। अरे बाला वाला का बॉस तो मुझे लग रहा है अभी उधर होगा नहीं, इसलिए अभी हम जल्दी चलते हैं। अभी हम जल्दी चलते हैं, फिर देखते हैं क्या करना है। अगर उसका बॉस हुआ तो उधर ठोक देंगे उसको। अब मुन किसी की नहीं सुनता, सीधा ठोकता है। उसका भी ठोक देंगे, सारा को ठोक देंगे, किसी को नहीं छोड़ेंगे। अब ऐसा भी चलते हैं बाला वालों के अड्डे में। अभी चलते हैं बाला वालों के अड्डे में, देखते हैं क्या होता है उधर। फिर अगर हम उधर हमें बाइक सच्ची में मिल गई तो अब वो हम लेके चले जाएंगे आराम से। अगर नहीं मिली तो उधर से भी हम चले जाएंगे। अगर नहीं मिलते उधर से हम चले जाएंगे, कहीं और लोकेशन पता करेंगे। उसने हमें, प्रेसिडेंट ने हमें लोकेशन दे दिया। अभी हम जल्दी से उधर चलते हैं, फिर देखते हैं उधर क्या होता है। भाई उधर देखते हैं फिर क्या होता है, बंदे को ठोकना पड़ता है या हमने उनको सही ऐसे, मतलब हम ऐसे ही आ जाएंगे कि हमें बाइक मिलेंगे ही नहीं। वरना वो आराम से दे देंगे तो अच्छी बात है, वरना उसको अब उनके पास बहुत इलाज हैं। एक एक गोली देंगे सबके हेड शॉट, सारे मानेंगे क्या कहते हैं हम। सारे आप मानते हैं माइकल कौन है? माइकल भी बाप है, सबका बाप। माइकल भी सबका बाप है GTA 5 में। भाई साहब, अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं करें तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें वीडियो को, इसलिए इस वीडियो का लाइक एम है, इस वीडियो का लाइक एम 500 है। जल्दी आके पूरा कर दें। अगर आपने वीडियो के लाइक से हमको पूरा कर दिया, अगली वीडियो में माइकल नहर में छलांग मार देगा। जल्दी जाके लाइक से हम पूरा करें, अगली वीडियो में माइकल नहर में छलांग मारेगा। देखते हैं पूरा करते हैं, आपकी ये मोहब्बत हमारा साथ देती है कि नहीं देती। जल्दी देखते हैं हम बस आगे जाके उनका घर आ जाना, बाला वाला के बॉस का घर आना है। फिर हमने उधर से बाइक लेनी है। मुझे पक्का पता उधर बाइक तो होनी है, उधर शाफत तो देनी नहीं। मुझे पता है वो बहुत गंदे और घटिया बंदे हैं, उधर शाफत तो देनी नहीं। हमने उसको छीन के ही लेनी पड़नी है। पता नहीं किसकी गाड़ी खड़ी हुई थी, है बहुत ज़बरदस्त गाड़ी है ये, इलेक्ट्रिक कार लग रही है मुझे। है तेज़ चलती है, बहुत तेज़ में चल रही, नॉर्मल स्पीड है इसकी। पता नहीं किसकी गाड़ी है, ढाई करोड़ की तो होगी गाड़ी है, क्योंकि ये सुपर कार है। कोई बात नहीं, हमारे लिए 2.5 करोड़ पे कुछ नहीं है। गोश एडर वाली बाइक हमें चाहिए। माइकल गोश एडर का बचपन से फ़ैन था और गोश एडर का बाइक का भी फ़ैन था। अब हम देखेंगे गोश एडर के बाइक पर बैठेंगे, उसमें आर्मर वगैरह हमारे पास कुछ नहीं था। प्रेसिडेंट ने हमें आर्मर वगैरह दिया क्योंकि हमारे पास आर्मर ख़त्म हो गया, हमने दूसरे शहर से आर्मर मंगवाने हैं, इसलिए प्रेसिडेंट ने हमें आर्मर दिया। अगर उसको बैठेंगे ना, हमें आग नहीं लगेगी, क्योंकि उस बाइक के ऊपर ऐसा सेंसर लगा हुआ कि उस पर बैठेंगे तो आग नहीं लगेगी। और भाई ठोक लॉस एंजेलिस के पता नहीं कैसे ड्राइवर हैं, ठोक के बार बार जी आ रहे हैं, इसलिए हमने उसको अबुल को ठोक दिया। अबुल किसी ने सुनता रहे बाबू, सीधा गोली मारता, सिर्फ हेड शॉट पे मारता है सिर्फ गोली। भाई साहब किसी को नहीं सुनता, माइकल सिर्फ मारता है, वो मारता। अभी टाइम नहीं है, सीधा हम उधर चलते हैं। अगर बंदा ठोके में कोई बात नहीं, क्योंकि हमारे पास अभी टाइम नहीं है, इसलिए हम जल्दी जल्दी चलते हैं गोश्त एडर की बाइक चुराने। अभी हम बहुत स्कर्टेड है, भाई सब आ गए हैं बल्कि थोड़ा सा आपको घर नजर याद हो गए, बाल वाले के बॉस का घर है। अभी तो वो होगा नहीं इधर, अगर तो वो हो गया उसका भी दी एंड कर देंगे, सारों का दी एंड करेंगे। सिर्फ दुनिया का सबसे बड़ा गैंगस्टर माइकल,
माइकल दी सेंटा होगा। बस अब ये आ गया है, ऊपर चल देते हैं क्योंकि इन्होंने मुझे देख के ही, हमारे बहुत ज़्यादा दुश्मन ने हमें मुझे देख के ही गोली चलाना शुरू कर देनी है, इसलिए जल्दी से हम ऊपर चल लेते हैं। बस अभी हम ऊपर बाइक चलाते हैं, इधर मोटरसाइकिल सॉरी कार चलाते हैं, सुपर कार जो हमारी कोयल जो भी नाम है इसका, कोयला जो भी नाम है इसका, इसको ऊपर चलाते हैं। इसमें बहुत ताकत है, अभी देखते हैं ताकत, इसको टेस्ट लेते हैं ताकत का। वैसे इसमें बहुत ताकत है, और बस अभी तो हम 12 वालों को सीधा हेड शॉट देंगे, फिर लड़ाई सारी शुरू, वरना इन्होंने हमें देख के ही हमें सारा कुछ मार देना था, गोलियां चला देनी थी। अभी हम सीक्रेट सीख देखेंगे तभी लड़ाई शुरू करेंगे। भाई साहब किसी को नहीं छोड़ेगा रे बाबू, इधर से करते हैं हम, किसी को नहीं छोड़ेगा रे बाबू, बंदे को भून के रख देगा रे बाबू, अभी जल्दी से हेड शॉट देते हैं बाबू, किसी को नहीं छोड़ेगा रे बाबू। इधर के बहुत ज़्यादा बंदे हैं, अब स्टार्ट करते हैं हेड शॉट देना। पहला बंदा ये है, इसको देते हैं हेड शॉट, प्यारा सा हेड शॉट बेटा ले लो। इधर भी देख लेते हैं गोश अड्डे वाले, बहुत बाद में देखी जाएगी, प्यारा सा हेड शॉट देते हैं, वरना अगर गोश अड्डे वाली बात नहीं भी होती तो हमने फिर भी इनको मारना था। तो आपस में लड़ने लग गए, किसी ने उसके ऊपर गोली चलाई, उसके ऊपर गोली चलाई होगी, इसलिए सारों की लड़ाई हो गई होगी, फिर किसी और को गोली लग गई होगी, सारों की लड़ाई होगी होगी। इससे जल्दी चलते हैं हम अंदर और देखते हैं अंदर वाले बंदे को मारते हैं, अंदर तो बहुत ज़्यादा सिक्योरिटी होगी, देखते हैं अंदर वाले बंदे तो भी मर गए, एक दूसरे को मार पाएगा। भाई साहब हमारी तो लॉटरी लग गई, वैसे एक बंदा ऊपर है उसको भी हमने मार दिया, एक्टिंग कर रहे हैं ये लोग। अभी एक बंदा हिला था, मार दो सड़क को मारो छः चंद गोली सारों को मरता कि आए तो हमें पता लग जाए। अभी इन्होंने सारी एक्टिंग की भी, इनको कैचअप वगैरह पड़ा होगा, हमने जिस समय लगा लिया अब तो पूरे ही मर गए हैं, कुछ नहीं होता भाई साहब। अभी हम किसी से नहीं डरते, बस माइकल अपने होशी में बैठे हो। भाई साहब क्या भाई क्या गोश राइडर वाली, इसकी टॉप स्पीड भी हम चेक करेंगे रनवे में, हम जल्दी चलते हैं। भाई साहब क्या चीज़ है बाइक रही है भाई, इसका एक और फीचर आपको बताता हूँ भाई साहब, ये चेक करें इसका फीचर, जंप वाला, ये उड़ती भी है आपको पता है, ये देखें बाइक उड़ती भी है, इसमें उड़ने वाला सिस्टम भी बहुत आला सिस्टम है, ये गोस्टर की बाइक है इसलिए आला सिस्टम है, उड़ती भी है ये बाइक भाई साहब चेक करें, उड़ती है बाइक, कोई आपने ज़िंदगी में बाइक देखी हो जो उड़ती हो भाई साहब। अब ये बाइक नीचे जा रही है भाई साहब, देखिए क्या फ्लेम निकल रही है, क्या फ्लेट कैंडल निकल रही है, क्या आग निकल रही है, चुमी ले रहे दिल करता है इसका तो। अब भाई साहब बहुत अच्छा है ये तो, बस अब आगे हम सारी ये बाइकें सड़क बाइकें छोड़ के, माइकल की हज़ार बाइकें हैं, हज़ार दो हज़ार बाइकें हैं, तो यही चलाया करेंगे, सिर्फ यही चलाया करेंगे, क्योंकि बाइक बहुत आला है, इसकी स्पीड भी नॉर्मली स्पीड है, जो भी गाड़ी चला रहे उसकी जैसे इसकी स्पीड है। बस अब क्या मोटरसाइकिल है, मैं ज़िंदगी में पहली बार गोस्ट मोटरसाइकिल चलाई है, देखी और चला रहा हूँ, बहुत बड़ा फ़ैन था माइकल, आज हम देखें आज किस चेंज में पहुँच गए, हमने आज गोस्ट बाइक चलाई भी है, देखी भी है और बैठे भी हैं, गोस्ट से भी मिलेंगे हम, वो गोस्ट मुझे लग रहा है छोड़ेगा नहीं हमें, क्योंकि गोश अड्डर की बाइक ही है ये, गोश अड्डर हमें छोड़ेगा नहीं तो क्या होगा, गोश अड्डर छोड़ेगा, इसको भी भून के रख देंगे, गोश राइडर को भी फायर प्रूफ है, फायर प्रूफ में बस पहन के आऊँगा, उसको भी भून के रख दूंगा भाई साहब, उसको भी भून सारों को भून के रख देंगे रे बाबू, यहाँ पे तो बहुत ज़्यादा चीज़ें हैं बाबा। बस यहाँ पे तो बहुत ज़्यादा रश है, अभी हम चलते हैं, मैं कहीं घर चलती हूँ क्योंकि हमारे पीछे पुलिस ना पड़ जाए, क्योंकि ये बहुत खास बाइक है, ये बाइक से इम्पोर्ट हुई है बाइक, क्योंकि ये गोस्ट राइडर की बाइक है, कोई आम की बाइक नहीं है। इधर अभी घर चलते हैं, इसकी स्पीड भी रास्ते में रनवे आएगा तो उसकी स्पीड भी चेक कर लेंगे, कर लेंगे भाई साहब, ये बहुत आला बाइक है, इसके सेंसर भी सारा कुछ है, इसके बाइक के अंदर खोपड़ी भी इसके नीचे लगी हुई है, आपको नज़र आ, आपको मैं दिखाता हूँ, उसकी खोपड़ी साइड में लगी हुई है, नीचे लगी ऊपर नहीं लगी हुई, पता नहीं टूट गई होगी रास्ते में, पता नहीं बाइक मार दी, लेकिन बुलेट प्रूफ बाइक है, फुल बुलेट प्रूफ बाइक है वो भाई साहब, इसका ये फीचर मुझे बड़ा मज़ेदार लगता है,
ट्रैफिक को हटाने के लिए भाई साहब उड़ सकते हैं हम, उड़ते उड़ते जाएंगे हम अभी हवाओं की झोंके लेके भाई साहब। ऐसा लग रहा है जहाज उड़ रहा है, बाइक नहीं पूरी जहाज है, जहाज बाइक है, ये जहाज बाइक भाई साहब क्या बाइक है भाई साहब। मुझे तो बहुत अच्छी लगी, कमेंट्स में बताएं, जल्दी जाके कमेंट्स में बताएं, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, जरूर 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 करना, मेरी रिक्वेस्ट है आपसे, रिक्वेस्ट है आपसे, और चैनल को आपने जरा सब्सक्राइब जरूर करना, लाइक करना है, और जल्दी जाके इस वीडियो के लाइक के पूरा कर दें। माइकल नदी में छलांगे मारेगा, छलांग मारेगा और अपनी 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 खोपड़ी फोड़ लेगा माइकल। जल्दी जाके सब्सक्राइब करें, माइकल नदी में छलांग मारेगा, जल्दी जाके चैनल को सब्सक्राइब करें, माइकल नदी में छलांग मारेगा। आपको बताइए नदी में छलांग मारेगी, अभी सर्दी बहुत ज़्यादा है लेकिन माइकल बर्दाश्त कर लेता है, पूरी नहर में जो नीचे तक जाएगी जहाँ पे शार्क वगैरह सारा कुछ होगा माइकल वहाँ पे छलांग मारेगा। 500 लाइक का एम पूरा कर दीजिए, माइकल वहाँ पे छलांग मारेगा। बस अभी तो उड़ती भी है बाइक, अच्छा मैं बताया था ये उड़ती है बाइक, ये नीचे नहीं चलती है, उड़ती भी है नीचे भी चलती है, 2-in-1 है ये, 2-in-1। एक चीज़ लो दो चीज़ का फ़ायदा, एक चीज़ हमने ली दो दो चीज़ का फ़ायदा, अभी हम जहाँ भी जा सकते हैं वाइस सिटी और पता नहीं कहाँ कहाँ जा सकते हैं, नॉर्थ यंगटन बरस वाली जगह में ऑफ रोड बाइक भी है एक किस्म की, अगर इसके टायर चेंज हो रहे हैं ऑफ रोड बाइक भी है, ये पानी में इसको छोड़ देना ये तब भी इसकी आग नहीं बुझेगी, कैसी आग है ये आपको पता नहीं कैसी आग है, और नॉर्मल आग तो बुझ जाती है उससे पानी से, लेकिन ये नहीं बुझती पानी से बैबू। जल्दी जाके सब्सक्राइब करें चैनल को बैबू, किसी ने जाता है माइकल बैबू, हम इसको हम माइकल को छलांग मारेंगे नहर में भाई साहब, क्या बाइक स्मूथ हैंडलिंग सारा कुछ बहुत ज़्यादा स्मूथ है, इसकी स्पीड हमने चेक करनी क्या स्पीड है इसकी, और कट वगैरह स्मूथ, इसका हैंडलिंग मैं बताऊँ आपको बहुत बहुत ज़्यादा स्मूथ है इसकी हैंडलिंग, और उसको स्पीड चेक करने की तमन्ना हो रही है, अब जल्दी जल्दी से हम स्पीड चेक करेंगे फिर आपको बताएंगे क्या स्पीड है, और इसकी स्मूथनेस चेक करेंगे रनवे पे, उसके रनवे पे एयरपोर्ट के रनवे पे इसकी स्मूथनेस चेक करेंगे। अभी आपको मिलते हैं हम रनवे पे, अब बस अभी हम रनवे पे आ चुके हैं, बस अभी देखिए अभी हम रनवे पे आ चुके हैं, इधर भी इसकी सारी स्पीड स्मूथिंग सारा कुछ चेक करेंगे इसका, इधर क्या स्मूथनेस है इसकी, क्या इसकी स्पीड है, अब भाई इसकी स्पीड 130 140 150 इसकी स्पीड 170 तक इसकी स्पीड तो ज़रूर होगी, 200 तक इसकी स्पीड होगी, क्योंकि इसकी अभी तक 170 तक तो अभी भाग रही थी है, 170 तक तो अभी भाग रही थी है, 170 तक तो अभी भाग रही थी, अगर हम इसको बड़े आई हो जहाज के पास इसको गुजरते हैं, अरे बाबू ऐसा ये चेक कर क्या बाइक है अपने इसको इसके अपने इस पर लेके चलते हैं हाउस पे, यहाँ पे गाड़ियाँ प्लेन वगैरह सारा कुछ ही हमारा हैंगर हैंगर पे लेके चलते हैं बाइक, भाई साहब क्या बाइक है, बाइक पे दिल उतर रहा है, इसको हम बेचेंगे हमने, अगर इसको बेचेंगे ना हम ये बिकेगी $100 million की, 300 million dollar की ये बाइक बिकेगी, क्योंकि इस बाइक की स्मूथनेस आपने चेक की है और आपने इसकी आग चेक की है, कैंडल्स हैं इसके पीछे जो आपको नज़र आ रही है, देखें इसके रॉकेट आए कैंडल ने रॉकेट आए, आपको एक रॉकेट आई है, इसको हम उछालेंगे तो ये रॉकेट है, उड़ती भी है, इसको कहते हैं रॉकेट एंड घोस्ट राइडर बाइक, इसका पूरा नाम है रॉकेट एंड घोस्ट राइडर बाइक। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो जल्दी जाके के चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें वीडियो को, ओके बाय बाय एंड टाटा।